नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वापस से स्वागत है ब्लॉक्टिकल में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कुछ टेक्नोलॉजीज की जो कि सतोशी नाकामोटो के इनिशियल व्हाइट पेपर में दिखी थी, झलकी थी। ठीक है, तो हम बात करते हैं सतोशी नाकामोटो के व्हाइट पेपर के बारे में कि ओके उन्होंने किस किस टेक के बारे में बात की थी। सो उससे पहले हमें जानना होगा सतोशी नाकामोटो का आइडिया क्या था। तो आइडिया था एक नेटवर्क क्रिएट करना जहां पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन इनेबल करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट था कि ओके इंटरेक्शन इनेबल तो कर रहे हैं पर हम कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रखेंगे एंड हम सिक्योरिटी भी देंगे, ठीक है। सो ये दोनों चीज अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट है, देखते हैं कैसे उन्होंने पाया। देन लास्ट था कि ओके मुझे ना सिंगल ट्रस्ट सोर्स बनाना है ऑन द नेटवर्क। ओके, तो अगर आप मेरी पुरानी डेफिनेशन या पुरानी वीडियोस में आपने नाम सुना है वर्ल्ड स्टेट के बारे में, सो दैट इज व्हाट, दैट इज सिंगल ट्रस्ट सोर्स ऑन द नेटवर्क। ठीक है, तो पूरा जो नेटवर्क है आपका वो इस पर्टिकुलर सोर्स को फॉलो करता है। इस सोर्स में लिखा है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन एक्सेप्टेड है तो वो एक्सेप्टेड है, अगर इस पर्टिकुलर सोर्स पे लिखा है नहीं है तो नहीं है। एंड ये सोर्स कैसे अपडेट करी जाती है, सो ये एक प्रोसेस होता है कंसेंसस, उसके थ्रू हम इसमें ऐड कर सकते हैं, हम इसमें केफ ऐड कर सकते हैं पर हम इसको प्रीवियस चीजों को अपडेट नहीं कर सकते। सो ये आइडिया था सतोशी नाकामोटो का। तो इस पर्टिकुलर आइडिया को कैप्चर करने के लिए सतोशी नाकामोटो ने कुछ टेक्नोलॉजीज को यूज किया, जिनमें से कोर टेक जो थी वो थी सबसे पहला डिजिटल सिग्नेचर। पहला था डिजिटल सिग्नेचर, सेकंड था हैश, थर्ड था हैश पॉइंट, ठीक है, फोर्थ था मर्कल ट्री। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, देन हैश कैश, देन आता है आपका टीसीपी, देन आईपी, देन पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड फ्यू मोर्स, ठीक है। तो वो हम आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, बट सो ये जो आठ टेक है ये हम अभी डीप में पढ़ेंगे और यही मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको अगर ये समझ आता है तो आप एक छोटा सा अपने एंड पे ब्लॉकचेन नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर में हम और सब डिवाइड करेंगे चीजों को, ठीक है, जैसे कि प्राइवेट की, पब्लिक की एंड सो ऑन सो फोर्थ, कैसे वो प्रोसेस करता है हम कोड करके देखेंगे, ठीक है। एक छोटा सा एप्लीकेशन बना लेंगे एंड इसका जो आपका कोड होगा ना वो ब्लॉक्टिकल के गिटहब पेज पे मिलेगा। जो भी हम पढ़ते जाएंगे ना वो इसके गिटहब पेज पे मिलने वाला है, तो मैं आपको वो लिंक वगैरह सब शेयर कर दूंगा। बट हाँ, ये एक एक करके हम सारी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करेंगे, सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड कि हम अपना नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं जिसका नाम होगा बिटकॉइन, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल सिग्नेचर से।